मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड पेरेंट्स, आज हम यूनिट टू का जो पार्ट टू था फ्लाइंग टूगेदर, जो साथ की उड़ान वाला पार्ट था, उसकी जो एक्सरसाइज है वो आज हम करेंगे। तो बच्चों, ओपन द टेक्स्ट बुक एंड पेज नंबर 33। लेट्स रीड। फर्स्ट क्वेश्चन है, वेयर डिड द गीस लिव? गीस कहाँ रहते थे? तो गीस एक फॉर यानी कि जंगल में रहते थे, एक पेड़ पे रहते थे। हम लिख सकते हैं द गीस लिव ऑन अ टॉल ट्री इन द जंगल में एक ट्री के पर रहते थे। सेकंड क्वेश्चन, व्हाई डिड द ओल्ड बर्ड एडवाइस अदर बर्ड्स टू डिस्ट्रॉय द क्रीपर्स? जो समझदार जो ओल्ड बर्ड्स था वो अदर बर्ड्स को यानी कि दूसरे बर्ड्स को ये जो प्लांट था, जो पौधे पर चढ़ने वाला प्लांट था, उसको खत्म करने के लिए क्यों कहा था? तो हम लिख सकते हैं द ओल्ड बर्ड एडवाइज द अदर बर्ड्स टू जो वाइल्ड ओल्ड बर्ड्स था वो इसलिए कर रहा था कि जो हम इस क्रीपर्स को डिस्ट्रॉयड नहीं करेंगे तो कोई भी आकर यानी कि शिकारी भी आकर वो ऊपर जो चढ़ने वाला पौधा था तो ऊपर चढ़ जाएगा और हम सबको मार देगा। तो द ओल्ड बर्ड एडवाइज द अदर बर्ड्स टू डिस्ट्रॉय द क्रीपर्स because it could help a hunter to climb up the tree and keep all of them. वो जो hunter आएगा वो और हम सबको मार देगा। Next, why did the geese cry? जो गीस थे वो क्यों क्राई कर रहे थे यानी कि क्यों हेल्प हेल्प जैसा बोलकर रो रहे थे? तो हमने बच्चों इस लेसन में सीखा था कि वो जो सब जो बर्ड्स थे वो जो हंटर की नेट थी, जो जाल थी, उसमें फंस चुके थे, इसलिए वो मदद के लिए रो रहे थे। तो हम लिख सकते हैं The geese cried for help because they were trapped. Trapped means first jana. Trapped in the hunter's net. वो शिकारी की जाल में फंस चुके थे। What did the hunter do when he
फॉर दैट गीस वेयर डेड। जब हंटर ने जब सब जो गीस थे वो मरे हुए लगते थे तो हंटर ने क्या किया, तो हंटर ने बच्चों इस पार्ट के हिसाब से क्या किया था, तो वो वन बाय वन सबको फेंक दिए। तो हम लिख सकते हैं ही थ्रू देम आउट ऑफ द नेट वन बाय वन, एक करके सबको बाहर फेंक दिया। नेक्स्ट, व्हाई डिड द गीस प्रिटेंडेड टू बी डेड। जो गीस थे वो क्यों ऐसे मरे हुए पड़े थे, क्योंकि जो गीस थे उसको अपनी जान बचानी थी। तो हम लिख सकते हैं द गीस प्रिटेंडेड टू बी डेड सो दे द हंटर्स लीव देम सेफली। तभी हमको जो हंटर है वो सेफ छोड़ देगा। नेक्स्ट, डिस्क्राइब वन इंसिडेंट व्हेन यू गॉट इनटू ट्रबल बिकॉज यू डिड नॉट डू योर वर्क ऑन टाइम। आपका जो ऐसा कोई एक्सपीरियंस है, आपका ऐसा कोई अनुभव है जिसमें आप मुश्किल में थे, वो आपको डिस्क्राइब करना है। तो ये जो एक्सपीरियंस है वो आप अपनी तरह से लिख सकते हो। नेक्स्ट, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। हमें नीचे दिए हुए जो स्टेटमेंट्स है वो सही है या गलत, ये हमको लिखना है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है, द ट्री वॉज द हाउस ऑफ अ फ्लॉक ऑफ पैरट। ये जो ट्री था जंगल में इस पार्ट के हिसाब से, तो वहां जो पंखी रहते थे वो पैरट्स थे। तो बच्चों ये पैरट्स थे नहीं, ये पैरट्स नहीं थे, तो यहाँ फॉल्स आएगा। वहां वाइल्ड गीस थे, जो जंगली बतख होते वो थे, तो फर्स्ट में फॉल्स आएगा। द वाइज ओल्ड बर्ड वॉन्टेड टू क्रीपर टू बी डिस्ट्रॉयड। जो समझदार जो बूढ़ा बर्ड्स था वो ये चाहता था कि ये जो पेड़ पे चढ़ने वाला पौधा है उसको खत्म कर दे। तो ये बात सही है, जो ट्री आएगा। द हंटर क्लाइम द ट्री विद द हेल्प ऑफ अ लेडर। लेडर मीन्स सीढ़ी। तो जो शिकारी था वो उसको पेड़ पर चढ़ना था, तो वो सीढ़ी के यानी कि लेडर के माध्यम से ऊपर चढ़ा था। तो बच्चों ये जो सेंटेंस फॉल्स है, क्योंकि जो पेड़ पे चढ़ने वाला पौधा है उसके माध्यम से हंटर पेड़ पे चढ़ा था, तो यहाँ फॉल्स आएगा। When caught in the net, the foolish bird began to weep. जब ये सब जो birds थे, जो मूर्ख birds थे, वो जब net में पकड़ गए तो सब रोने लगे, तो ये बात सही थी। The wise old bird helped them to escape. जो समझदार birds था वो सबकी मदद करना चाहता था, तो ये बात सही है, यानी कि मदद के लिए उत्सुक था, तो ये बात सही है। तो बच्चों टर्न द पेज नंबर 34। लेट्स लिसन टू द फॉलोइंग पैराग्राफ।
यहाँ बच्चों एक छोटी सी स्टोरी है, वो आपको अपने तरह से करनी है। द एंट एंड द डव, एक कीड़ी और डव है, उसकी एक छोटी सी स्टोरी है। और ये जो है वो आपको अपनी तरह से सोचकर नीचे जो सवाल है उसके आंसर आपको देने हैं। नेक्स्ट पेज नंबर 35, वर्किंग पेज। आस्क योर फ्रेंड क्वेश्चन अबाउट ऑल द थिंग्स हिडन। आप अपने मित्र को सभी वस्तु के लिए सवाल कर सकते हो। यूज क्वेश्चन वर्ड सच एज वेयर, व्हाट, हाउ, हु, व्हेन, व्हाई, व्हेन इट डन फॉर यू। किसी एक माध्यम से आप सवाल कर सकते हो। तो अनु से आई वॉच टीवी इन द इवनिंग। अनु ये कहती है कि मैं हर शाम को टीवी देखती हूँ। तो अमित से व्हेन डू यू वॉच टीवी, तो टीवी तुम कब देखती हो, तो मैं टीवी शाम को देखती हूँ। वैसे ही आई प्ले गेम्स, मैं गेम खेल रही हूँ, तो व्हाट डू यू प्ले, तुम क्या कर रहे हो, तो हम लिख सकते हैं कि आई प्ले गेम। इसका क्वेश्चन आएगा अमित, व्हाट डू यू प्ले। नेक्स्ट आई कलेक्ट स्टैम्प, स्टैम्प मींस टिकट, मैंने स्टैम्प इकट्ठे किए हैं। तो आप तुमने यानी कि आपने क्या इकट्ठा किया है, तो हम लिख सकते हैं अमित की से व्हाट डू यू कलेक्ट। ग्राउंड, मैं मैदान में खेल रहा हूँ, तो इसका आंसर क्या आएगा बच्चों, वेयर डू यू प्ले, तुम कहाँ खेल रहे हो। तो आई प्ले इन द गार्डन। ऑन संडे आई गो शॉपिंग, रविवार को मैं शॉपिंग करने जाऊंगी यानी कि शॉपिंग करूंगी। तो आप शॉपिंग में कब जाओगी, तो when do you go for shopping, शॉपिंग करने के लिए कब जाने वाली हो, तो on Sunday I go shopping। Next answer this question about yourself, आपको अपनी तरह से ये आंसर देने हैं। तो मैं आपको समझा देती हूँ, आपको अपनी तरह से करना है। फर्स्ट है व्हाट इज योर नेम, तो आपका जो नेम है वो आपको लिखना है। व्हाट लैंग्वेज डू यू स्पीक, आप किस लैंग्वेज में बात करते हो, यानी कि हिंदी है, इंग्लिश है, गुजराती है, तो हम लिख सकते हैं आई स्पीक इन हिंदी। हाउ ओल्ड आर यू, आप कितने वर्ष के हो, तो हम लिख सकते आई एम 13 ईयर ओल्ड, आई एम 14 ईयर ओल्ड। विच इज योर फेवरेट फूड, आपका पसंदीदा फूड को कौन सा है, तो हम आपको जो पसंद है वो आप लिख सकते हो, यानी कि माई फेवरेट फूड इज एप्पल। वेयर डिड यू गो यस्टरडे, आप कल कहाँ गए थे, तो आप जहाँ भी गए हो लिख सकते हो, यानी कि आई वेंट टू द पार्क, आई वेंट टू माई अंकल्स हाउस, आप कोई भी लिख सकते हो। विच कंट्री डू यू बिलोंग टू, आप किस कंट्री से आते हो, तो आई बिलोंग टू इंडिया। वेन डू यू गो टू स्लीप, आप कब सोने जाते हो, तो आई गो टू स्लीप एट 10 o'clock। वाई डू यू ड्रिंक मिल्क, आप क्यों मिल्क पीते हो, तो आई ड्रिंक मिल्क टू गेट स्ट्रॉन्ग, मैं मजबूत होने के लिए दूध पीता हूं। ये जो एक्सरसाइज आपको अपनी तरह से करनी है।
Next, in groups of five, discuss what you would do if you were caught in the following situation. ऐसी कोई सिचुएशन आए तो आप क्या कर सकते हो इसके बारे में आपको यहाँ लिखना है. Your friends fall in the play field and is hurt. आपका जो मित्र गिर जाता है खेल के और वो हर्ट होता है तो आप क्या करोगे. तो आई विल लिफ्ट हिम, मैं उसको पकड़ लूंगा. एंड गिव हिम फर्स्ट एड, मैं उसकी प्राइमरी ट्रीटमेंट करूंगा. तो वो भी आपको अपनी तरह से लिखना है. यू आर ट्रैप्ड इन अ फायर, आप फायर में फंस चुके हो तो आप क्या करोगे. तो आई विल ट्राई टू कम आउट, मैं बाहर जाने की कोशिश करूंगा. आई विल क्राई फॉर हेल्प, मैं रोकर दूसरों के साथ मैं मदद मांगूंगा. वो भी आप लिख सकते हो. यू आर स्टक इन अ ट्रैफिक जाम, आप कोई ट्रैफिक में फंस गए हो तो आप क्या करोगे. तो आपको ये भी अपनी तरह से लिखना है. लेट्स राइट, द वर्ड्स इन द क्लाउड डिस्क्राइब समथिंग और समवन इन द स्टोरी. हमें जो हम नीचे देख सकते हैं कुछ वर्ड्स है वो हम लेसन में सीखे, तो उसके हिसाब से हमें ये कौन है ये हमें लिखना है. नेम देम इन द ब्लैंक प्रोग्राइड, हमें जो फील करने की जगह है वो हमें दी गई है. मेक सेंटेंस ऑफ योर ओन विद वर्ड्स गिव इन द क्लाउड, तो हमें उसके हिसाब से वर्ड्स यानी कि सेंटेंस बनाना है. वाइज, तो इस जो लेसन में वाइज कौन था, कौन बच्चों, जो ओल्ड वर्ड्स था वो समझदार था. The hunter was a foolish man.
tall. जो ट्री था वो टॉल था. नेक्स्ट टर्न द पेज नंबर 37. Here are some answers about the given pictures. हमें इस पिक्चर के हिसाब से कुछ आंसर दिए हैं. उसके हिसाब से हमें क्वेश्चन लिखने हैं, तो हम आज क्वेश्चन लिखेंगे. तो फर्स्ट आंसर है द कलर ऑफ द आंट इज ब्लैक. जो आंट मीन्स कीड़ी, जो कीड़ी का कलर ब्लैक है, तो इसका व्हाट इज द कलर ऑफ आंट. कीड़ी का कलर कौन सा है, तो हम देख सकते हैं द कलर ऑफ द एंट इज ब्लैक. इट लिव्स ऑन लैंड. लैंड मीन्स जमीन, वो जमीन में रहती है, तो हम लिख सकते हैं वेयर डज इट लिव. वो कहाँ रहती है, तो इट लिव्स ऑन लैंड. इट हैज टू लॉन्ग एंटेन. उसको दो एंटेन मीन्स होता है जो कीड़ों की जो मूंछ होती है. तो इट हैज टू लॉन्ग एंटेन, उसके दो मूंछ है, तो हम लिख सकते हैं हाउ मेनी एंटेन डज इट हैव. एंड कितने मूंछे, तो दो मूंछे. इट क्रॉल्स ऑन द ग्राउंड. वो धीमे धीमे चलती है मैदान में, तो कैसे चलती है, हाउ मच इट मूव्स ऑन द ग्राउंड. This tree was the home of a flock of wild geese. वो जो ट्री था वो जंगली बतख का घर था. Second, he noticed the creeper at the foot of the tree. उसने जो ट्री था उसके जो पेड़ के जो नीचे का जो पार्ट था वो उसको ये पेड़ पर चढ़ने वाला जो पौधा था उसका नोटिस किया था, तो वहां एक आएगा. क्या आएगा बच्चों, ए. ही नोटिस द क्रीपर एट द फुट ऑफ द ट्री. ट्री के नीचे के जो पार्ट होता है यहां, ये बार यहां जो वाइल्ड जो बर्ड्स था वो नोटिस किया था. इट वुड बी अ पिटी टू डिस्ट्रॉय इट नाउ. पिटी टू डिस्ट्रॉय आएगा बच्चों, यानी कि ये कहता है कि हमें उसे अभी ही खत्म कर देना है, तो पिटी टू डिस्ट्रॉय. एज दे फ्लू इनटू द ट्री दे वेर ट्रैप. जब ये ट्री पर फ्लू करेंगे फ्लाई करेंगे तो सब ट्रैप हो जाएंगे, यानी कि जाल में फंस जाएंगे. इनटू यानी कि पेड़ पर. द बॉय रेन विथ द डॉग. जो बच्चा था वो डॉग के साथ दौड़ रहा था. तो देन वी
द फ्रॉग जंप इन टू द वेल, यानी कि जो कुआ होता है कुएं के अंदर, तो इन टू द वेल. द गर्ल वॉज थ्रिल्ड टू सी हर न्यू साइकिल. जब ये बच्ची ने अपनी नई साइकिल देखी तो वो रोमांचित हो चुकी थी. तो टू सी. द बर्ड है कॉट इन द नेट. स्पाइड्स के हिसाब से तो जो बर्ड्स थे वो नेट में फंस चुके थे. तो इन द नेट. The children walk over the bridge. जो बच्चे थे वो पुल के ऊपर से चल रहे थे. Over. बच्चों, turn the page number 38. तो बच्चों, complete the paragraph with suitable words from the box. आपको ये जो paragraph है उस बॉक्स में जो वर्ड्स दिए उसके हिसाब से एक्सरसाइज में आपको अपनी तरह से करना है. आपको करके भी कोई भी दिक्कत हो तो आप मैसेज यानी कि स्कूल में आकर मुझे मिल सकते हो. नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स गिवन बिलो विथ क्वेश्चन वर्ड्स. तो हमें यहाँ WH सवाल से हमें लिखना है. तो फर्स्ट है, वेयर डू यू लिव. लिव मीन्स रहना, तो वहां वेयर आएगा. वो हमें एग्जाम्पल में दिया है. ब्लैंक डू यू प्ले. आप क्या खेल रहे हो, तो वहां बच्चों क्या आएगा, व्हाट आएगा. नेक्स्ट, When do you get up? आप कब उठते हो. What do you have for breakfast? आप ब्रेकफास्ट में क्या लेते हो. What? When do you go to school? आप स्कूल कब जाते हो. What do you like best in the school? Games, art or music? आपको अपनी स्कूल में क्या अच्छा लगता है, गेम्स, आर्ट या म्यूजिक. तो वर्ड आएगा बच्चों. व्हेन इज योर बर्थडे. आपका जन्मदिन कब है. व्हेन. नेक्स्ट, व्हाट डू यू वांट फॉर योर बर्थडे. आप अपने जन्मदिन पर क्या इच्छते हो. तो व्हाट. आपको ये भी एक्सरसाइज आपको अपनी तरह से करनी है. नेक्स्ट, पेज नंबर 39. रेफरेंस टू कंटेंट. हमें हम देख सकते हैं फर्स्ट में, वेयर देयर इज नो हरी. अब कोई जल्दी नहीं है. द क्रीपर्स इज वेरी स्मॉल. जो प्लांट है वो छोटा है. इट वुड बी अ पिटी टू डिस्ट्रॉय इट नाउ. उसे अभी खत्म करने की कोई इच्छा नहीं है. तो ऐसा कौन, हू सेड दिस. ये कौन बोल रहा है बच्चों, कौन बोल रहा है. तो द गीस बोल रहे हैं. टू व्हाट इट से. किसको बोल रहे हैं, तो जो समझदार बर्ड्स था, वाइज ओल्ड बर्ड. When was it say? वो कब ऐसा कहा. When was it say? तो कब कहा. तो when the wise old bird advised to the geese. तो ये जो advice थी वो समझदार birds था, वो other birds से उसको दी थी. तो हम लिख सकते हैं, When the wise old bird advised to the geese to
destroyed the creepers. Plant remove करने की advice दी थी. So this is where the wild geese live. तो हम लिख सकते हैं. So this is where the wild geese live. तो जो hunter था वो कह रहा था. तो hunter who said this? जो hunter था वो बोला था. किसको कहा था? वो अपने आप से बोल रहा था. तो टू वो ऐसा कब बोला था? तो when the hunter saw the tree where he slept, जब hunter ने वो जंगली बत्तख थे उसको एक पेड़ पर देखा था तब वो अपने आप से कांप रहा था. तो बच्चों आज ये एक्सरसाइज हम यहाँ कंप्लीट करते हैं. मैंने आपको एक्सरसाइज करने के लिए कहा है वो पेज नंबर 34 पर की जो एक्सरसाइज है आपको ये जो पैराग्राफ लिसन करना है और इसके बाद आपको ये कंप्लीट करना है. उसके बाद पेज नंबर 38 पर जो कंप्लीट द पैराग्राफ विद सुटेबल वर्ड्स फ्रॉम द बुक ये भी आपको अपनी तरह से ही करना है. और बच्चों हम जो अपनी अगली जो वीडियो आएंगे उसमें हम वर्कबुक देखेंगे. तो बच्चों थैंक यू.